ये आज ही की बात है जब 200 या 300 साल पुराने अल्लाह की वली की मजार शरीफ को खोला गया तो अंदर से आपका जिस्म मुबारक बिल्कुल सही सलामत बाहर निकाला गया अल्लाह अकबर ये एक जिंदा करामत ज़ाहिर हुई जिसे आज पूरी दुनिया अपनी आंखों से देख रही है। दोस्तों सैकड़ों सालों के बाद एक अल्लाह के वली की मजार शरीफ को फिर से खोलने की हाजत क्यों हो गई चलिए इसके बारे में जानते हैं ये वाक़ इस तरीके से शुरू होता है कि हुबली में जो है ये आपकी जो मजार शरीफ है हुबली रेलवे स्टेशन से तकरीबन आठ किलोमीटर की दूरी पर हुबली और धारवाड़ के हाईवे पर मौजूद है और एपीएमसी मार्केट जो यहां का बहुत ही बड़ा मार्केट है इस मार्केट ही के पास जो है एक अल्लाह के वली जिनका नाम है हजरत सैयद महमूद शाह कदरी अलबदादी रमोत ला तन इनकी ये दरगाह शरीफ मौजूद है और दरगाह शरीफ के बगल ही में एक मस्जिद भी मौजूद थी लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से जो है रोड को बड़ा करने का ये ऑर्डर आया और जो है गवर्नमेंट की तरफ से दरगाह शरीफ और मस्जिद की तरफ से यह नोटिस जारी हो गया कि अरीब जो है इस मस्जिद और दरगाह शरीफ को शहीद करने वाले हैं ताकि हम इस रोड को बड़ा कर सकें इसके पीछे काफ़ी सियासी आ, मामला हैं जो आप न्यूज़ चैनल्स में देख ही रहे होंगे लेकिन इस वीडियो में मैं एक अल्लाह के वली की शान आपको बयान करने वाला हूँ तो बहरहाल नाजिन मस्जिद का तकरीबन आधा हिस्सा शहीद कर दिया गया और जब अल्लाह के वली की मजार शरीफ की बारी आई तो हुबली के आसपास के जितने भी सादात क्राम थे उन लोगों ने यह तय किया कि अल्लाह के वली जिनका नाम हजरत सैयद महमूद शाह कादरी बगदादी रम इनकी मजार शरीफ को शिफ्ट कर दिया जाए यानी आपकी मजार शरीफ को खोला जाए आपके जिस्म को इसमें से निकाल करके दूसरी तरफ जो है मुंतकिल कर दिया जाए तो, तो ये अमल जो है दो हजार बाईस ट्वेंटी टू दिसंबर की रात में तकरीबन दो या तीन बजे ये कार्रवाई शुरू की गई तो नाजीन देखने वालों ने ये मंजर देखा अपनी आंखों से बड़ी खुश है वो आंखें जो ये मंजर देख सकी कि जब जालिमों के जुल्म से तंग आकर के अल्लाह के वली की मजाज शरीफ को खोला गया तो सैकड़ों सालों बाद भी आपका जिसम मुबारक बिल्कुल सही सलामत था अल्लाह अकबर यहाँ तक कि आपके सरे मुबारक पर जो बाल थे वो बाल भी बिल्कुल सही सलामत थे फिर आपके जिसम को किसी को दिखाया नहीं गया बल्कि फौरन उस पर जो है एक चादर शरीफ डाल दी गई और वहां पर मौजूद लोगों से जब मैंने बात की कि वहाँ का क्या मामला था तो उन्होंने ये भी बात कही जैसे हजरत की मजार शरीफ से आपका जिसम जाहिर हुआ फौरन वहां का आसपास का करंट चला गया और अंधेरा हो गया फिर रोशनी का थोड़ा इंतजाम हुआ तो उलमा और सादात ने ये इशारा समझ लिया और कहा कि हो सकता है कि कोई जिस्म शरीफ को ना देखें इसलिए अल्लाह की तरफ से यह रोशनी भी यहाँ पर चली गई थी तो किसी को जो है आपका जिस्म मुबारक और आपका चेहरा मुबारक नहीं दिखाया गया बल्कि ऊपर से जो आप देख रहे हैं इस वीडियो में एक सब्ज रंग की एक हरे रंग की चादर शरीफ आप पर डाल दी गई और फिर जो है उसी दरगाह शरीफ के कॉम्पाउंड में जो है एक नई शरीफ आपकी तैयार की गई जो एक महफूज जगह थी वहाँ पर फिर आपको जो है मतफ़न किया गया शायर क्या कहते हैं कि जमी मैली नहीं होती जमन मैला नहीं होता मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेशक ये शायर ने ऐसे ही जुमलेबाजी नहीं कह दी बल्कि ये दर हकीकत है आज भी ये अल्लाह ताला अपने करिश में दिखाता ही रहता है किसी ना किसी किले और बहाने से और अल्लाह वालों की शान बुलंद करता ही रहता है दोस्तों अभी जो मजार शरीफ आप वीडियो में देख रहे हैं ये आपकी दूसरी मजार शरीफ है हजरत सैयद महमूद शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अली की इन शरीब इस मजार शरीफ को भी आली शान पैमाने पर जो है तामीर किया जाएगा और यहाँ पर एक आली शान दरगाह शरीफ तामीर होगी और मैं उन लोगों को भी समझाना चाहता हूँ जो बदअदा लोगों के बयान सुन करके अपने ईमान को ख़राब कर चुके हैं और अवले की शान में गुस्ताखियाँ कर बैठे हैं वो लोग देखें इस मंज़र को कि अल्लाह के वली जो हैं हम ऐसे ही उनको नहीं मानते ऐसे ही उनका अदब नहीं करते बल्कि अल्लाह के नज़दीक उनकी ऐसी शान होती है कि उनके जिसम तक सैकड़ों सालों से हज़ारों सालों से उनकी मज़ारात में बिल्कुल सही सलामत हैं और ये जो है आप देख सकते हैं एक जिंदा सबूत है और जो लोग अवली की शान में गुस्ताखियां करते हैं वो लोग बाज आ जाए क्योंकि अल्लाह फरमाता है यह खुदी है कि अल्लाह तबारक वाल है कि जो लोग अवले अल्लाह से दुश्मनी रखते हैं बोग्ज रखते हैं मैं उनके साथ एलान जंग करता हूँ तो समझ लीजिए कि जो अवले अल्लाह की शान में गुस्ताखियाँ करते हैं वह अल्लाह के नज़दीक किस कदर गिरा हुआ है अल्लाह खुद फरमाता है कि मैं उसके साथ एलान जंग करता हूँ तो दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें ताकि तमाम लोग अल्लाह के वली की ये शान देखें अल्लाह ताली हम सब को अल्लाह की सच्ची आशी और सच्ची ग़ुलामी नसीब करे और हम सबकी नेक और جاز مرادں